Hello guys, this is Kevin Patil welcomes you to the fluid mechanics world. आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक. सो देखो, सिलेबस का फर्स्ट मॉड्यूल है, उसमें दो पार्ट आते हैं, 1.1 एंड 1.2. 1.1 इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड एंड 1.2 इज अ स्टैटिक और फ्लूड स्टैटिक. मैंने सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया और पहले ही ये चालू किया, इसका भी एक पॉइंट है, वो आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया है. ओके, सिलेबस बाद में डिस्कस कर लेते, पहले ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आप सिलेबस को अच्छे से, मतलब डायरेक्ट सिलेबस को आपको समझेगा नहीं क्या पॉइंट है, लेकिन ये समझने के बाद अगर मैं सिलेबस को जाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि सिलेबस एक्चुअल में कैसे डिवाइड हो रहा है. ओके, सो नाउ सी, सो फर्स्ट थिंग इज बिफोर गोइंग टू द प्रॉपर्टीज आई विल सी व्हाट इज फ्लूड. तो फ्लूड देखते हैं क्या. तो अलग अलग डेफिनेशन होते हैं फ्लूड के, तो इसमें से सबसे ईजी है, इट इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग. मतलब एक कोई सब्सटेंट है, वो फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूड. जैसे आपने वाटर लिया और ऐसे नीचे डाल दिया, वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, वो ऐसे आगे आगे जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लो. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. और एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन भी है उसका, इट इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली वेन सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स. मतलब अगर आप वाटर को ऐसे लोगे और उसको ऐसे शेयर फोर्स लगाओगे, शेयर फोर्स लगाओ, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा. डिफॉर्म मतलब उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, और वो एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पर जा रहा है और वो फॉर्म अपना चेंज कर रहा है, मतलब वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाएगा. यहाँ वाटर लिया और ऐसे आपने आगे आगे लिया, जैसे हम ऐसे वाटर को ये अपना यूज करके कोई भी प्लेट और ऐसे कुछ भी लेके ऐसे आगे आगे लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है. उसके ऊपर हम शेयर फोर्स लगा रहे हैं और वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है. तो एनी सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स. ओके, व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, ऐसा नहीं है शेयर फोर्स निकाल दिया और वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, नहीं. आप जब तक वो शेयर फोर्स लगा रहे हो, वो क्या होता रहेगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा. ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लूड. तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, उसका फ्लो होता है. तो कौन सा सब्सटेंस है, पहले बात, हमारे पास तीन कौन से सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो सॉलिड तो फ्लो नहीं होता, हमें पता है. चलो कोई भी सॉलिड ले लो, ये एक रूबिक्स क्यूब ले लो, ये फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, ये फ्लो नहीं हो रहा है, ये जब अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है, वो फ्लो नहीं हो रहा है. ओके, सो रिमेनिंग इज लिक्विड एंड गैसेस. सो लिक्विड को हम फ्लूड बोलते हैं. वाटर तो आपको पता है, लिक्विड वाटर है, वो फ्लो होता है, आपको पता है. जैसे आप पाइपलाइन ले लो, पाइपलाइन से वाटर क्या होता है, फ्लो ही होता है ना, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. ओके, तो लिक्विड क्या हो गया, फ्लूड हो गया. अब गैसेस, गैसेस फ्लूड है क्या, गैसेस फ्लो होती है, हाँ, हम बोलते हैं ना हवा अच्छी चल रही है और हवा अच्छी बह रही है, तो हवा भी फ्लो ही हो रही है. तो हमारे लिक्विड एंड गैसेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूड. ओके, सो फ्लूड कैसे, कौन से है, लिक्विड एंड गैसेस, ये दो फ्लूड है. ओके, आपको फ्लूड समझ आ गया, जो फ्लो होता है वो फ्लूड है. फ्लूड कौन से है, लिक्विड एंड गैसेस. अब हम देखेंगे, ये सब इग्नोर को, यही पार्ट है ये. ओके, अब हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में डिफरेंस क्या क्या है. ओके, सो आई हैव सम पॉइंट्स. ओके, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे, अकॉर्डिंग टू दैट हम डिफरेंस देखेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज शेप. तो सॉलिड हैज डेफिनाइट शेप, तो इसको देखो, एक डेफिनाइट शेप है, आप बोल सकते हो क्यूब है. ओके, एक शेप बन गया. लिक्विड, लिक्विड का कोई शेप होता है क्या, वो जिसमें डालोगे वो शेप बन जाता है, तो कोई डेफिनाइट शेप नहीं रहता. तो सॉलिड हैज डेफिनाइट शेप, लिक्विड का ऐसे कोई शेप नहीं होता. गैस का आपको पता है, एयर बेयर क्या कुछ शेप नहीं होता, मतलब ऐसे डेफिनाइट शेप होना चाहिए. जैसे ये क्यूब है, तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होगा, जहां ऊपर डालोगे उसका शेप वो ले लेता है, गैस भी वही है. वॉल्यूम, यस, इट इज हैविंग वॉल्यूम. आपको बोला इसका वॉल्यूम निकालो, तो आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे और उसके जो हाइट है उससे क्या करोगे, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे. तो बी आपका वो फॉर्मूला रहता है, बी एल एच, वही फॉर्मूला से. तो वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम है. लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम रहता है क्या, हाँ, आप क्या करो, उसको बॉटल में डालो, जितना लीटर रहेगा उतना ही उसका वॉल्यूम रहेगा. सो हाँ, लिक्विड को भी वॉल्यूम होता है. ऑलराइट, तो लिक्विड को वॉल्यूम है, गैस को वॉल्यूम होता है क्या, गैस को कोई वॉल्यूम नहीं होगा. आप बोल सकते हो क्या, इतना मीटर क्यूब है, इतना ये है, लीटर है, ओके, ये और इतना केजी है, ओके, ऐसे कुछ नहीं रहता. सो यू कैन से, तो आपका अगर देखो तो यहाँ से ही आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का डिफरेंस पता चल जाएगा. सॉलिड हैज शेप एंड वॉल्यूम,
Liquid don't have shape but has volume. Gas don't have shape, don't have volume. Okay. So अभी free surface, अभी देखो इसका कोई free surface है कहाँ? ये एक free surface है, 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 ये एक free surface है. तो solid को क्या होते हैं? Free surface होते हैं. Free surface मतलब क्या है? जो आपको ऊपर से surface दिख रहा है वो free surface हो गया. अभी लिक्विड को होता है क्या, वाटर एक पॉट में डाल दो तो ऊपर उसके एक फ्री सरफेस रहेगा. ओके, बाकी सरफेस तो कॉम्पैक्ट है, मतलब बाकी सरफेस तो पॉट के अंदर गए, लेकिन एक फ्री सरफेस ऊपर रहेगा, तो लिक्विड को भी फ्री सरफेस होता है. ओके, लेकिन एयर को, इसको कोई फ्री सरफेस नहीं होता, हैज नो फ्री सरफेस. गैस एयर को कोई फ्री सरफेस नहीं होता. नाउ इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन, अभी पहली ये चीज़ क्या होती है वो देखते हैं, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन. ओके, देखो ये हमें पता है हर एक सब्सटेंस किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, मटेरियल टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है. ओके, और ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या कैसे एक्ट करते हैं, मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं. आप उसको फोर्स लगाओगे और सेपरेट करना चाहोगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो अपने एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं, मतलब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में, उसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है. ओके, तो ये अपोज करते हैं इस मोशन को, या आप उसको खींचोगे तो मैग्नेट की तरह क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो सॉलिड में क्या होता है, वेरी स्ट्रांग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो वेरी स्ट्रांग होता है, इसलिए क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे में एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग पकड़ के रखते हैं, इसलिए वो क्या होता है, फ्लो नहीं होता, वो अपने जगह पर रहते हैं. इसमें क्या होता है, लेस. ओके, इसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, लेस. मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लेस रहता है, इसलिए क्या होता है, वो फ्लो हो जाता है. और गैस में करता है वेरी लेस, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही कम रहता है. आपको पता है गैस इधर उधर, मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाते रहते हैं, उसमें ज्यादा एक दूसरे में ज्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है. ओके, सो ये हो गया. देन इट इज अ कॉम्प्रेसिबिलिटी. अभी कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, मतलब आप उसको प्रेशर लगाकर कंप्रेस कर सकते हो. अगर ये इसको लिया और मैंने प्रेशर लगाई, कंप्रेस होगा ही नहीं. स्टोन ले लो, कंप्रेस करो, वो टूट जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होता. सो सॉलिड आर इनकॉम्प्रेसिबल. वैसे ही लिक्विड देखो, आप वाटर ले लो, उसको कंप्रेस करने का ट्राई करो, वो कंप्रेस नहीं होता. एक्चुअली दे थोड़े कॉम्प्रेस होते हैं, हम उनको इनकॉम्प्रेसिबल ही पकड़ते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रेस होते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस. क्या बोलते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस. तो हम उसको कॉम्प्रेस कर नहीं सकते, और वेरी डिफिकल्ट रहता है उनको कॉम्प्रेस करना. हम इवन वी कंसिडर लाइक, चलो वाटर है तो हम क्या कंसिडर करते हैं, वो इनकॉम्प्रेसिबल है, ऐसे ही कंसिडर करते हैं. तो लिक्विड को हम जब स्टडी करेंगे, अभी नेक्स्ट जो भी स्टडी रहेगा फ्लूड मैकेनिक्स का, हम लिक्विड भी इनकॉम्प्रेसिबल ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस. एंड गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. कैसे, मैं बताता हूँ आपको. हाईली कॉम्प्रेसिबल है. आपने लिक्विड ऑक्सीजन सुना होगा, लिक्विड नाइट्रोजन सुना होगा, इवन यूर एलपीजी गैस. क्या बोला, एलपीजी गैस, लेकिन कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आता है. जो आपका गैस बर्नर होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको प्रेशर दबा पे कॉम्प्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, इसको ऐसे नहीं होता, लिक्विड को आप प्रेशर दबाओगे तो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा वो. ओके, लेकिन गैस को क्या कर जाता है, कॉम्प्रेस किया जा सकता है. जैसे हम ऑक्सीजन को कॉम्प्रेस करके लिक्विड ऑक्सीजन बनाते हैं, नाइट्रोजन को कॉम्प्रेस करके लिक्विड नाइट्रोजन बनाते हैं, एंड एलपीजी गैस को कॉम्प्रेस करके लिक्विड एलपीजी बनाते हैं. ओके, सो गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल. तो डिफरेंस पता चल गया, ये पूरा चार्ट है जिसमें से सॉलिड लिक्विड गैस का. अभी हमें जो स्टडी करना है वो कौन सा, फ्लूइड में लिक्विड एंड गैस स्टडी करना है, वो देखते हैं हम यहाँ पर. सो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, अभी हम आते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर. तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, ओके, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस. सो इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है विच डील्स विद द और विच स्टडी बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड. वो क्या स्टडी कर रहा है और किससे डील कर रहा है, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड मतलब क्या हो गया आपका, लिक्विड एंड गैसेस. तो लिक्विड एंड गैसेस की स्टडी कर रहा है और उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहा है अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन. फ्लूइड रेस्ट में है, मतलब चलो एक वाटर है, वाटर रेस्ट में है या बह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों भी इसमें आते हैं. सो इट इज अ स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट और मोशन. सिंपली इट इज अ स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड
और मोशन, वो मोशन में होगा और रेस्ट में होगा, हम उसकी दोनों की स्टडी करेंगे फ्लूड मैकेनिक्स में। नाउ इट हैविंग थ्री ब्रांचेस। ओके, तो ये थ्री ब्रांचेस है। फर्स्ट वन इज फ्लूड स्टैटिक्स, सेकेंड इज फ्लूड काइनेमेटिक्स, थर्ड इज फ्लूड डायनामिक्स। देखते हैं एक एक क्या है। फ्लूड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, स्टैटिक एंड डायनामिक्स, यहाँ तीन हो गए, स्टैटिक काइनेमेटिक डायनामिक्स। ओके, मैकेनिक्स पे आगे तो मैं बताता हूँ, ये जो मैकेनिक्स होता है उसके थ्री ब्रांचेस रहते हैं। एक हम बोलते हैं बेसिक मैकेनिक्स, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। ओके, दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब सॉम, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो इसमें हम सॉलिड की स्टडी करते हैं। एंड थर्ड है फ्लूड मैकेनिक्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लूड की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जो फ्लूड मैकेनिक्स है उसको अगेन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, फ्लूड स्टैटिक्स, फ्लूड डायनामिक्स एंड फ्लूड काइनेमेटिक्स। ये दो तो हमने सुने हैं। स्टैटिक मतलब क्या रहता है, जो रेस्ट पे रहता है, अभी फ्लूड रेस्ट पे रहेगा तो फ्लूड एट रेस्ट, तो स्टडी ऑफ फ्लूड विच इज एट रेस्ट। ओके ओके, स्टडी ऑफ फ्लूड विच इज एट रेस्ट एंड वी कंसिडर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड। ओके, यहाँ पर हम कौन सा फ्लूड ये करेंगे, कंसिडर करेंगे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड। ओके, आप इतना ही ध्यान में रखो, फ्लूड स्टैटिक मतलब हमें स्टडी करना है एट रेस्ट पर, फ्लूड एट रेस्ट। फ्लूड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूड डायनामिक्स, दोनों में फ्लूड एट मोशन रहता है और फ्लूड इन मोशन रहता है, तो डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्लूड का इन मोशन, तो मोशन में आ रहा है, मतलब कोई चीज है, ये चीज है, ये मोशन में आ गई, तो मोशन में क्यों आ गई है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। तो ये न्यूटन का एक लॉ है कि कोई भी चीज अपने रेस्ट और अपनी जो मोशन है उसको छोड़ती नहीं, वो पोजीशन को छोड़ती नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता। तो जब तक ये अपने रेस्ट पर है वो रेस्ट ही रहेंगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। ओके, तो वही पर, तो यहाँ मोशन में आ रहा है फ्लूड, मतलब आपने कुछ तो फोर्स अप्लाई किया है उस पर, जो फोर्स उस मोशन को कॉज, मतलब इस मोशन द फोर्स विच इज कॉजिंग दिस मोशन। ओके, जो फोर्स इस मोशन को कॉज कर रहा है, अगर उसको आपने कंसिडर नहीं किया तो वो बोलेंगे फ्लूड काइनेमेटिक्स। तो स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स कॉजिंग दैट मोशन, विदाउट कंसिडरिंग फोर्स कॉजिंग दैट मोशन, दैट इज फ्लूड स्टडी ऑफ फ्लूड काइनेमेटिक्स। एंड फ्लूड डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब क्या रहेगा, तो स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन एंड और कंसिडरिंग द फोर्सेस विच कॉज इन दिस मोशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्सेस के भी स्टडी करेंगे और कंसिडर करेंगे जो ये मोशन कॉज कर रही है। तो दोनों में का डिफरेंस पता चल गया। तो यहां पर हम स्टडी क्या क्या करते हैं, तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट स्टडी करेंगे, फ्लूड का डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी स्टडी करेंगे, उसका एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस, विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस, एंड यहां पर विथ कंसिडरिंग द फोर्सेस विच कॉज इन दैट। ओके, सो हमें फ्लूड मैकेनिक्स समझ आ गया, उसके तीन ब्रांचेस समझ आ गए। देखो ये आपका फ्लश मॉड्यूल है, ये आपका सेकंड मॉड्यूल है, ये आपका थर्ड मॉड्यूल है। आपको पता ही नहीं ये क्या है तो मैं सिलेबस डिस्कस करके करूँ क्या, इसलिए मैंने ये पहला रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पे आपका जो फ्लूड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड एंड फ्लूड स्टैटिक, ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, दो पार्ट में डिवाइड है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड एंड फ्लूड स्टैटिक। सेकंड मॉड्यूल इज फ्लूड काइनेमेटिक्स, थर्ड मॉड्यूल इज फ्लूड डायनामिक्स। ओके, अभी और एक पार्ट रह गया एंड ऑफ द, मैं एंड ही करता हूँ ये वीडियो, लेकिन उसके पहले एक अच्छा सा टॉपिक है, अच्छा एकदम अच्छा बोल सकते हो आप, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। ठीक है, तो ये क्या रहता है, सो फर्स्ट थिंग इज कॉन्टिनम, कॉन्टिनम मीन्स अ कंटिन्यूस एंड होमोजीनियस मीडियम इज कॉल्ड कॉन्टिनम। ओके, कंटिन्यूस एंड होमोजीनियस मीडियम। ओके, व्हाट इज होमोजेनियस मीडियम, तो चलो ये कोई तो मीडियम है, ऐसे मैं सॉलिड कंसिडर कर रहा हूँ, आप लिक्विड भी कंसिडर कर सकते हो। होमोजेनियस मीन्स इट इज हैविंग सेम मटेरियल थ्रू आउट, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम मटेरियल से बना है, इसमें कोई क्रैक नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं। जब मटेरियल टेक्नोलॉजी में आपने डिफेक्ट्स पढ़े थे तो आपको पता है कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं रहता और कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं रहता जिसमें डिफेक्ट्स नहीं होते, सब में कोई ना कोई, सब में कोई ना कोई डिफेक्ट आपको मिलेगा। ओके, तो इसमें फॉरेन मटेरियल हो सकता है, जैसे क्रैक हो गई और कोई तो वैकेंसी आ गई। ओके, तो क्रैक हो गई और कोई तो होल हो गया यहाँ बीच में, तो यहाँ पर गैस होगी और एयर होगा।
ओके okay? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉरेन मटेरियल एयर क्या है, फॉरेन मटेरियल है, तो ये सेम प्रॉपर्टी हो गई क्या थ्रू आउट? नहीं, ओके okay? तो सेम प्रॉपर्टी नहीं होती. तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट्स नहीं प्रेजेंट, वो सब एक ही मटेरियल से बना है. एक्चुअल में ऐसे कोई भी मटेरियल नहीं होता जो एक ही सब्सटेंस से बना. आप ऑयल लोगे, ऑयल में गैसेस विसेस छोटे छोटे आपको रहते हैं, आपको पता है ऑयल आप अगर कंसिडर करोगे तो उसमें छोटे छोटे ऐसे गैसेस और एयर एयर ट्रैप रहता है. ओके तो हम कंसिडर क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, एंड इसमें कोई भी फॉरन मटेरियल और डिफेक्ट्स और वैकेंसी और होल और ऐसे कुछ नहीं है. वो क्या है, होमोजेनियस है. ओके उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूम. ओके तो कंटिन्यूम एक्चुअली पॉसिबल नहीं है. कंटिन्यूस एंड होमोजेनियस मीडियम इज कंटिन्यूम. अभी देखो जो फ्लूड लिक्विड गैसेस और एनी सब्सटेंस होता है वो कैसे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, मटेरियल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट है ये. ओके बट इन फ्लूड मैकेनिक्स और इन कंटिन्यूम वी कंसिडर दैट. ओके हाउएवर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूम और कंटिन्यूम ऐसे कंसिडर करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर द फ्लूड टू बी मेड ऑफ मॉलिक्यूल. सो ये मॉलिक्यूल से नहीं बना है. हम क्या कंसिडर करते हैं, कंटिन्यूम में फ्लूड, फ्लूड ओके नॉट गैसेस. ओके हम कॉन्टिनम में क्या कंसिडर करते हैं, इट इज अ फ्लूड टू बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब डू नॉट कंसिडर द फ्लूड टू बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल से नहीं बना है. बट थिंक इट इज थिंक ओके बट थिंक ऑफ इट एज अ कंटिन्यूस एंड होमोजीनियस मीडियम. हम उसको मॉलिक्यूल, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बिहेवियर जो फिजिक्स में पढ़ा है हमने, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल, और मटेरियल टेक्नोलॉजी में पढ़ा है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉम्स, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर एंड ऑल, वो सब यहाँ पर फॉलो नहीं होगा. तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम ऐसे कंसिडर नहीं करते कि ये जो फ्लूड है वो मॉलिक्यूल्स का बना है, ये कंसिडर नहीं करते हैं. जो भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है मटेरियल टेक्नोलॉजी में एंड फिजिक्स में, वो यहाँ पर लागू नहीं होता. ओके हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, लॉ ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनम. कॉन्टिनम मतलब क्या है, कंटिन्यूस एंड होमोजेनियस मीडियम. उसके जो भी प्रिंसिपल है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम. ओके तो ऑल द प्रॉपर्टीज एंड ओवरऑल बिहेवियर ऑफ फ्लूड्स आर स्टडीड विदाउट रिगार्ड्स टू इट्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. विदाउट स्टडिंग और विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरिंग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हम क्या करेंगे, फ्लूड का स्टडी करेंगे. उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम. होपफुली आपको ये जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट था फ्लूड मैकेनिक्स का वो समझ आ गया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.